वेल हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। सबसे पहले अपडेट गाइस, हमारे दो टेलीग्राम चैनल है, एक प्रीमियम ग्रुप है और एक फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा टेलीग्राम चैनल। उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। कुछ लोग मुझे कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं कि मैंने उनको बोला था कि बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट की रैली करेगा। वो इनमेच्योर ट्रेडर है, मैं उनको कहूंगा जैसे बच्चा होता है छोटा सा, अगर वो रोता है तो उसके हाथ में बोतल दे दो तो वो चुप हो जाता है। वो इस तरह के ट्रेडर है, इनमेच्योर। गाइस अपना दिमाग लगाइए, क्या मैंने ये कहा था कि वन डे में 2000 पॉइंट की रैली करेगा बैंक निफ्टी? प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए सिचुएशन को। मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है, मैं अपने व्यू पर बिल्कुल श्योर हूं, इंटैक्ट हूं कि बैंक निफ्टी यहां से रैली करेगा 2000 पॉइंट्स की। वो कब करेगा वो डिपेंड करता है, लेकिन इतना श्योर हूं कि बैंक निफ्टी एक बड़ी रैली करने के लिए बेस बना रहा है, जिसका आज फिर मुझे कंफर्मेशन मिल चुका है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर ओपन हुआ, ऊपर ओपन होने के बाद सस्टेंड नहीं किया। इसका रीजन क्या हुआ, जैसे इनमेच्योर ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूं, कुछ हमारे चैनल भी देखते हैं, मैं उनके लिए भी बोल रहा हूं, उन जैसे ट्रेडर, कमजोर ट्रेडर, वीक ट्रेडर मार्केट से या बैंक निफ्टी की पोजिशन से बाहर हो चुके हैं। बाइंग की साइड से आज मैक्सिमम ट्रेडर का स्टॉप लॉस टिगर हुआ है, मैक्सिमम बायर्स ने अपना एसएल टिगर करके बैंक निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन से आउट हो चुके हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूं बैंक निफ्टी को हो सकता है एक हल्का सा टिगर मिले कि बैंक निफ्टी यहां से रॉकेट हो जाए। वो कुछ भी हो सकता है, वो एचडीएफसी बैंक हो सकता है, वो कोटक महिंद्रा बैंक हो सकता है, या किसी भी ऐसी न्यूज का टाइम आएगा कि बैंक निफ्टी यहां से रन अप करेगा पॉजिटिव साइड। इसका मतलब यह नहीं है कि सुबह मार्केट ओपन हो तो 915 पर गैप अप और ओपन हो रहा है 300 पॉइंट्स और आप आंख बंद करके कॉल बाय कर लो। अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा सा इनमेच्योर ट्रेडर मत बनिए, सीखिए मार्केट का बिहेवियर सीखिए। अगर 300 पॉइंट्स बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है तो गाइस वो सस्टेन नहीं करेगा, जबकि गिफ्ट निफ्टी आपको सिर्फ और सिर्फ 80 पॉइंट प्लस दिखा रहा था, लेकिन उसके कंपेरिजन में निफ्टी 150 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ और बैंक निफ्टी 283 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ। तो सिंपल सा गाइस, अगर कोई 6 महीने से भी ट्रेडिंग कर रहा है ना, उसको भी अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये गैप अप सस्टेन नहीं करेगा आसानी से। पहले आने दीजिए नीचे, नीचे आए 150 पॉइंट्स का डाउन आना चाहिए बैंक निफ्टी। इतना डाउन आने के बाद वहां से उसको डे हाई कट करना चाहिए, वो ब्रेकआउट होगा, वहां पर बहुत हेवी पोजीशन बनेगी। हमने उसका वेट किया लेकिन ऐसा नहीं हो पाया आज भी। अब यहां पर यह बात खत्म हो जाती है कि 2000 पॉइंट की रैली की मैं बात कर रहा था। मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है, मैं बुलिश हूं बैंक निफ्टी पे। मुझे यहां से लगता है बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट की कम से कम रैली करेगा एनी हाउ। दूसरी बात, आज का दिन पूरा दिन प्रीमियम ईटिंग रहा, प्रीमियम ईटिंग के नाम रहा, ऑपरेटर ने पूरी तरह ऑप्शन बायर को मार्केट से आउट कर दिया है। पुट का प्रीमियम भी माइनस में, कॉल का प्रीमियम भी माइनस में। हमारा लॉन्ग स्ट्रैंगल था बैंक निफ्टी का, उसकी हमने पुट से एग्जिट करा दिया है अपने टेलीग्राम में। दूसरी बात, हमने मिड कैप निफ्टी में पुट छोड़ दिया था 36 रुपीज पे, उम्मीद करते हैं कल एनी हाउ वो जीरो हो जाएगा। करंट की बात करता हूं, करंट में डाउ फ्यूचर माइनस में है 270 पॉइंट्स माइनस में, और जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम 155 पॉइंट माइनस में है। सबसे पहली बात गाइस, इंडियन मार्केट वर्ल्ड मार्केट को देख ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन सोच को ट्रैप कर रहा है, जो इनमेच्योर ट्रेडर है उनकी सोच को ट्रैप कर रहा है। वो कैसे कर रहा है अंडरस्टैंड कीजिए। पहले बात करता हूं चार्ट की, मैं चार्ट की बात तब तक नहीं करूंगा, एक बड़ा करेक्शन ना आ जाए और चार्ट के मायने हो मार्केट में, तब तक मैं चार्ट की बात नहीं करने वाला हूं। मार्केट के बिहेवियर के बारे में अंडरस्टैंड कीजिए, मार्केट क्या कर रहा है। हर कोई इन्वेस्टर ये सोच के बैठा है कि हां मार्केट नीचे आएगा तो हम बाय करेंगे,
हर कोई अपना अमाउंट कैश कर रख के बैठा हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम पोजीशन और जब रिजल्ट आया जिस दिन, और उस दिन लोअर सर्किट लगने के करीब पहुंचा निफ्टी और बैंक निफ्टी, वहां पर पैनिक क्रिएट हुआ और उस पैनिक सिचुएशन में इन्वेस्टर ने अपनी पोजीशन एग्जिट की है। बहुत सारे इन्वेस्टर ने अपनी पोजीशन एग्जिट की है। उसके बाद से पहले इन्वेस्टर की बात करता हूं, इन्वेस्टर ये सोच रहा है कि यहां से मार्केट में एक सेलिंग आए, बड़ी एक गिरावट आए तो हम बाय करें। फॉर एग्जांपल स्टॉक का नाम लेता हूं BEL, हमने अपने क्लाइंट को एंटर कराया 255 में, अभी 300 चल रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, अगर स्टॉक के बारे में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हो क्या रहा है, जो कॉमन सोच का ट्रेडर या इन्वेस्टर है वो ये सोच रहा है कि मार्केट में करेक्शन आएगा। वो कहीं कहीं ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट गिर जाएगी, या मेजोरिटी में गवर्नमेंट नहीं है, मेजोरिटी में नहीं आई है गवर्नमेंट, इसलिए मार्केट गिर जाएगी। गाइस मार्केट चलती है पोजीशन पर, पोजीशन बहुत लाइट है। मैं फिर बता रहा हूं, इन्वेस्टर अपना पैसा बैंक अकाउंट में रख कर बैठे हैं, उनकी सोच ये है कि मार्केट में करेक्शन आए और उसके बाद हम बाइंग करें और बाइंग में लॉन्ग टर्म के लिए जाए। अब मार्केट क्या करेगी अंडरस्टैंड कीजिए, मार्केट उनको हाई पर बाय कराएगी कराएगी। कब तक बाय नहीं करेंगे, क्या 24,000 पे करेंगे? अब जब तक मार्केट उनको बाय ना करा दे, मार्केट हमेशा ऊपर दिखाएगी। सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन सोच है मार्केट में कि हाँ, हर कोई ये सोच रहा है कि मार्केट में करेक्शन आए और हम बाइंग की पोजीशन बनाए, क्या मार्केट इतनी आसानी से एंट्री देने देगी? वो नहीं लगता है। निफ्टी अब जहां पर रुका हुआ है, मुझे बहुत जल्दी 23,500 क्रॉस होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2-3 टाइम यहां से रिवर्स हो चुका है और बैंक निफ्टी पर तो 2000 पॉइंट से कम का ड्यू है। ये रैली करे ही करेगा बैंक निफ्टी, ये याद रखना। होता क्या है, इन म्यूचुअल ट्रेडर क्या करते हैं, बैंक निफ्टी चल रहा है 50,000, वो बाय करते हैं 55,000 की कॉल बाय करके बैठ जाएंगे छोटा प्रीमियम, और उनको लगेगा कि ये मेरा मल्टीपल जैकपॉट होने वाला है। ऐसा नहीं होता है, मार्केट पोजीशन हल्का करेगा। बैंक निफ्टी ने आज पोजीशन बहुत हल्की कर दी है, ऑप्शन बायर मैक्सिमम बायर को आउट कर दिया है। तो कल का सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीकेंड है, हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग आपको दोनों ट्रेडिंग में देखने को मिले, क्योंकि शॉर्ट्स अभी भी ज्यादा है और नई पोजीशन बनाने के लिए इन्वेस्टर और ट्रेडर वेट कर रहे हैं। तो डरिए मत, घबराइए मत, बैंक निफ्टी जाएगा उस लेवल पे, क्योंकि हम ही हैं, जब जब हमने अपने टारगेट दिए 23,000 कोई सोच भी नहीं सकता था, तब हमने 23,000 का टारगेट दिया और आज के टाइम में 23,000 क्रॉस करके मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर याद नहीं तो नंबर बता देता हूं, जब मैंने लेवल दिया था 23,336, ये लेवल्स मैंने ही दिया था आपको, अगर अच्छे से याद ना हो। दूसरा बताता हूं, 21,000 मैंने ही बोला था जब 19,800 चल रही थी निफ्टी के, 21,000 क्रॉस करेगा, 22,000 क्रॉस करेगा, ये भी मैंने ही बोला था। अगर यकीन नहीं आ रहा तो जाकर वीडियोस में चेक कीजिए, जो पुरानी वीडियो है यूट्यूब पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं फर्जीवाड़ा नहीं करता हूं, मैं चार्ट देखकर वीडियो नहीं बनाऊंगा तब तक जब तक मार्केट में बड़ा करेक्शन नहीं आ जाता है। गाइस मार्केट ऊपर जा रहा है, चार्ट बाद में बन रहा है, मैं चार्ट पे वीडियो आपको क्या शेयर करूंगा, आप अंडरस्टैंड कीजिए। और जो वीक ट्रेडर है, जो कमजोर है, जिनकी हार्ट बीट तेज होने लगती है, उनको इस मार्केट में रहने का हक नहीं है, जाइए कोई और बिजनेस कीजिए। ये मार्केट कॉन्फिडेंस वालों को है, अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई नहीं होगा, आप मैच्योर ट्रेडर नहीं है, आप सिचुएशन को फेस नहीं कर सकते, आप लॉस के लिए रेडी नहीं है, तो आप कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते, ये याद रखना। हम तो चल चुके हैं उस जर्नी पे जिसमें मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि आने वाले टाइम मेरे ट्रेडर का, मेरी टेलीग्राम फैमिली का होने वाला है। क्या आपको भी जुड़ना है या डर डर के अपना डर डर के रहना है और मार्केट को स्लो स्लो करके अमाउंट दे देना है, वो डिपेंड आप पर करता है। मैं डेम श्योर हूं यहां से मार्केट में तो मुझे बहुत जल्दी 23,500 क्रॉस होता हुआ नजर आ रहा है, उससे ऊपर के भी लेवल मुझे दिखाई दे रहा है निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पे 2000 पॉइंट की रैली ड्यू है। बैंक निफ्टी को एक हल्का सा पॉजिटिव टिकल चाहिए, एक हल्का सा, और वो कब करेगा, या हो सकता है कल से आपको बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आए, क्योंकि आप पोजीशन लाइट हो चुकी है। डरिए मत, कॉन्फिडेंस रखिए, बिलीफ सिस्टम को फॉलो कीजिए। अगर डर गए तो ये मार्केट आपके लिए है ही नहीं।
किसी भी सिचुएशन में जाइए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप से बोलिए कि हाँ इस मार्केट से मुझे पैसा बनाना है, जहां पे 98% ट्रेडर लॉस करते हैं। एज ऑप्शन बायर डेली आपका दिन नहीं होता है, जितनी जल्दी अंडरस्टैंड करेंगे उतना अच्छा है। एज ए ऑप्शन बायर जो मेरी फैमिली है मुझ पर बिलीव करती है, मैं एक और आपको कमिटमेंट कर रहा हूं, आज इस मंथ के लास्ट 10 डेज, 20 तारीख से 30 तारीख तक, 20 जून से 30 जून तक मेरी कमिटमेंट है, मैं आपको ट्रिपल जैकपॉट का ट्रेड दूंगा। मेरी कमिटमेंट है मैं आपको ट्रिपल जैकपॉट का ट्रेड दूंगा, क्योंकि इस मंथ के लास्ट में 10 डेज में जो मोमेंटम होने जा रहा है वो आपने सोचा भी नहीं होगा, आपको बिलीव भी नहीं होगा कि इतना बड़ा मोमेंटम कैसे हो सकता है। और इस बार इस बड़े मोमेंटम को मैं चूकने वाला नहीं हूं, और इस बार इस मोमेंटम को, पूरे बड़े मोमेंटम को मैं कैच करूंगा और एक बहुत हैंडसम, नहीं सुपर हैंडसम प्रॉफिट बुक करूंगा, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी में जितनी पोजिशन बनी हुई है वो आज तक की नहीं बनी है ट्रेडिंग हिस्ट्री में, आज तक की मार्केट में इतनी पोजिशन कभी नहीं बनी है जितनी इस मंथ की एक्सपायरी में बनी हुई है। तो रेडी हो जाइए गाइस मेरे साथ, पहले कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, पहले अपने ट्रेड पर बिलीव कीजिए, पहले अपने एक्सपीरियंस पर बिलीव कीजिए, बाद में अपने आपको ट्रेडर बोलिए। इन मैच्योर ट्रेडर की तरह बिहेवियर मत कीजिए। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो अपने आप से सवाल पूछोगे गाइस, अपने आप से क्वेश्चन रेज करने होंगे, क्या मैं किसी सिचुएशन में फंसकर उतना पॉजिटिव रह सकता हूं जितना मैं प्रॉफिट में रहता हूं। अपने आप से पूछिए क्या मैं उस तरह की लाइफ जी सकता हूं जिस तरह की मैं प्रॉफिट होने पर जीता हूं, क्या मैं उस तरह का कॉन्फिडेंस रख सकता हूं जितना मैं प्रॉफिट होने पर कॉन्फिडेंस रखता हूं। अगर ये चीजें आपके अंदर नहीं है तो आप कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। क्या मैं जब मुझे प्रॉफिट होता है मैं अपने फूड को, लंच को, डिनर को उस तरह एंजॉय करता हूं जितना मैं लॉस होने पर करता हूं? क्या मैं अपनी फैमिली को उस तरह का टाइम देता हूं जितना मैं प्रॉफिट होने पर देता हूं? अगर नहीं देते ये चीजें, यहां पर आंसर नो है आपके पास में, तो छोड़ दीजिए स्टॉक मार्केट, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, जाइए जाकर दूसरा बिजनेस स्टार्ट कीजिए। अगर इस प्लेटफॉर्म में इतनी पावर है कि ये आपको एक दिन में लाखों करोड़ रुपए प्रॉफिट बना के दे सकता है, और आपने बनाया है, मेरी टेलीग्राम फैमिली ने बनाया है लाख लाख रुपए, तो जाने कितने मेंबर्स ने बनाए एक दिन में। अगर आपके अंदर इतना दिल नहीं है कि अगर आपको लाख रुपए का लॉस आए तो उसको बुक करें और कॉन्फिडेंस रखें कि अगला ट्रेड हमारा 2 लाख प्रॉफिट का होगा, तो अपने आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बोलना, वरना आप इन मिच्योर ट्रेडर है जो सिर्फ ग्रीडी है, जो लालची है, उसको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, उसको दूसरी चीज से मतलब ही नहीं है। इस मार्केट का जो सबसे बुरा फेस है वो है लॉस। अगर आप लॉस को प्रायोरिटी पे रखेंगे तो सक्सेस आपके बहुत करीब है। लॉस को प्रायोरिटी पे रखिए, प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। लॉस को प्रायोरिटी पे रखिए, लॉस बुक कीजिए। अगर लॉस बुक करना, लॉस बुक करने के लिए बोला जाए या मार्केट आपको कह रही है यहां से पोजीशन से निकलना है, तो गाइस निकलिए उस पोजीशन से, वरना ये मार्केट आपको वैसे ही किल कर देगी। एक हमारे ट्रेडर है, उन्होंने बाय किया हुआ था 23,400 का पुट, नेकेड पुट बाय किया हुआ 600 क्वांटिटी गाइस, उनका लॉस कम से कम उस पोजीशन में मेरे अकॉर्डिंग 60-70 पॉइंट्स का लॉस आज हुआ है। अपने आपको स्मार्ट मत बनिए, अगर कोई बोल रहा है, कोई एनालिस्ट बोल रहा है, तो उसके पीछे के बहुत सारे एक्सपीरियंस है, तो ऐसी गलतियां मत कीजिए। आपका लॉस तो होगा ही होगा, आपके साथ में आप भी ट्रबल में आएंगे, आपकी फैमिली ट्रबल में आएगी, और जो स्ट्रेस होगा वो अनलिमिटेड होगा, जिसकी कोई पहचान नहीं है। लेकिन मैं अपनी फैमिली को कमिटमेंट करता हूं, टेलीग्राम फैमिली को, गाइस रेडी हो जाइए आप। अगर इस महीने आपका ट्रिपल जैकपॉट नहीं लगा तो चैनल बंद कर दूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। और लास्ट में हमारा टेलीग्राम, प्राइवेट टेलीग्राम, प्रीमियम टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको पैसा बनाना है तो आप टेलीग्राम प्रीमियम के टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा, चैनल मिलेगा, वहां पर भी हम जो बेस्ट ट्रेड होता है, जो बेस्ट ट्रेड जनरेट होता है वो हम शेयर करते हैं। हमने कल उसमें शेयर किया था, फिन निफ्टी में 50 से 60 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर्स को, और उनका एक हैंडसम प्रॉफिट हुआ। हो सकता है कल भी मैं उनके लिए ट्रेड शेयर करूं, लेकिन जहां पे मैं डैम श्योर होऊंगा वहां 100% मैं ट्रेड शेयर करूंगा। लास्ट में डिस्क्लेमर, जो भी पोजिशन जो भी हम डिस्कस करते हैं यहां पर, वो हमारे अकाउंट में, हमारी
फैमिली के अकाउंट में और हमारे क्लाइंट्स के अकाउंट में 100% होता है। डरिए मत, कॉन्फिडेंस रखिए। मार्केट सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस का गेम है और कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप पोजीशन सही टाइम पे बनाएंगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए अगर पोजीशन अपोजिट जा रही है तो उसको निकालने का, वहां पर आपको इमोशंस में नहीं बहना है। गाइज मैं तो बहने नहीं दूंगा, लॉस होगा होने दीजिए। गाइज कमिटमेंट मेरी है, कवर करेंगे, प्रॉफिट पाएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों, जय हिंद।